नमस्ते प्यारे दोस्तों, टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस करंट सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। हर साल 12 सितंबर इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन के तहत सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मेन पर्पस दक्षिण में देशों द्वारा किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के बारे में जागरूकता का फैलान करना या उसको मनाना, ये मेन पर्पस है। दक्षिण दक्षिण सहयोग या साउथ साउथ कोऑपरेशन आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा संयुक्त राष्ट्र तकनीकी सहायता कार्यक्रम की स्थापना और 1965 का UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम 1965 के द्वारा फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया था। 2013 में यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, ये कोऑपरेशन अमंग द डेवलपिंग नेशन को बढ़ाने के लिए UNOSSC यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन के तहत 2013 में उसको शुरू किया गया था। तो साउथ साउथ कोऑपरेशन डे, इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन 12 सितंबर को मनाया जाता है। फिलहाल न्यूज में विजय रूपानी थे। विजय रूपानी इसलिए न्यूज में थे, गुजरात के मुख्यमंत्री पद से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। विजय रूपानी 2016 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए थे। 2017 का गुजरात विधानसभा का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में यहां पर पारित हो चुका था। 2006 से लेकर 2012 तक वो राज्यसभा के सदस्य भी थे। मुख्यमंत्री की बात आती है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद नंबर 164 में ये क्लियरली स्पष्ट रूप से नमूद किया है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पर की जाती है। किसी राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे सकता है। तो विजय रूपानी थे गुजरात के मुख्यमंत्री, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। उसी के साथ गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल को चुना गया। भूपेंद्र पटेल ये गुजरात के 17 मुख्यमंत्री हो गए। गुजरात का घाट लोडिया, इस क्षेत्र में ये फर्स्ट टाइम विधायक के रूप में पाटीदार समुदाय का नेतृत्व कर रहे हैं। अहमदाबाद शहर से मुख्यमंत्री चुने जाने वाले ये पहला नेता भी हो गए। तो विजय रूपानी गुजरात के CM, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह पर भूपेंद्र पटेल ये गुजरात के नए मिनिस्टर के तहत काम करेंगे। नेक्स्ट बात आती है, इंडिया का लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी FERNERY, ये उत्तराखंड के रानीखेत में उसका उद्घाटन किया गया। जिस तरह से गार्डन होता है उसी तरह से ये ओपन एयर ऑलमोस्ट फर्न प्लांट उनको बढ़ावा देने के लिए इन इंडिया वी नीड द पॉली हाउस या आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट लगता है, लेकिन उत्तराखंड के रानीखेत में ये ओपन एयर इंडिया का फर्स्ट और लार्जेस्ट फर्नरी होगा। फर्न ये नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स है, ये टेरिडोफाइटा, यहाँ पर पी साइलेंस होता है, टेरिडोफाइटा इस क्लास के अंतर्गत फर्न्स आते हैं और उनका जो रिप्रोडक्शन प्रजनन होता है बीजाणु या स्पोर्स के माध्यम से होता है। प्लांट के क्लासिफिकेशन में टेरिडोफाइटा या फर्न्स ये प्लांट इस तरह से होते हैं कि फर्स्ट टाइम वहां पर फुल्ली डेवलप्ड वास्कुलर सिस्टम, जिसे हम जाइलम फ्लोएम, उसमें हमें दिखाई देती है। फर्न की खासियत, ये मोस्टली एनवायरमेंटल
एट द सेम टाइम ऑर्नामेंटल वैल्यू के लिए भी जाने जाते हैं। दे आर यूजफुल फॉर द मेडिसिनल एज वेल एज द एडिबल पर्पस के लिए भी यूनाया जाता है। और मुख्य रूप में मॉइस्चराइजर के इंडिकेटर या नमी के संकेतक के रूप में भी वो काम करते हैं। दे डू द इकोसिस्टम क्लीनिंग का काम करते हैं, एट द सेम टाइम नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी फर्न प्लांट्स करते हैं। और फर्न प्लांट की सबसे बड़ी खासियत ये होती है, उनका उपयोग प्रदूषित जल से भारी धातुओं को फिल्टर करने के लिए भी किया जाता है। तो ये रानी खेत का ओपन ईयर लार्जेस्ट फर्नरी होगा। और हम सभी लोग जानते हैं कि अराउंड 30 स्पीसीज मेडिसिनल फर्न्स के यहाँ पर रानी खेत में इन्हांस कर किया जाएगा या उनका कल्टीवेट किया जाएगा। उसी के साथ उत्तराखंड का जो पॉपुलर न्यूट्रिशियस फूड आइटम है जिसका नाम आता है लिंगूरा, ये भी फर्न का ही वन टाइप है। तो हमारे लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय ने प्राकृतिक वनों का संरक्षण, वन्य जीवन का प्रबंधन मैनेजमेंट, वनों में बुनियादी ढांचे का विकास और उसके संबंधित कार्य की जो गतिविधियां है उनको तेजी के लिए 2004 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम स्टार्ट की गई थी जिसे हम CAMPA कहते हैं, इस स्कीम के तहत इसका लॉन्ग फॉर्म है गवर्नमेंट कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट फंड्स मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, जिसे हम CAMPA इस नाम से जानते हैं। उसी स्कीम के तहत रानीखेत में ये ओपन ईयर फर्नरी को स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट बात आती है डैनियल मेद देवेन की। डैनियल मेद वेदेव इसलिए चर्चा में है, रशिया के ये एक खिलाड़ी है टेनिस के, और चर्चा में इसलिए थे कि यूएस ओपन मेंस ग्रैंड स्लैम को उन्होंने जीता है। यूएस ओपन का मेंस का ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले ये डैनियल मेदवेदेव है। रशिया इस देश को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी के साथ यूएस ओपन वुमेन ग्रैंड स्लैम में एम्मा राधुकानू जो ब्रिटिश कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, उन्होंने भी इस फीमेल यूएस ओपन खिताब को जीता है। तो डैनियल मेदवेदेव और एम्मा राधुकोन दोनों न्यूज में थे, उन्होंने रिस्पेक्टिवली मेंस और वुमेन्स ग्रैंड स्लैम खिताब को जीता है। नेक्स्ट बात आती है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के हैं। जम्मू कश्मीर में उन्होंने कश्मीर यंग लीडरशिप अवार्ड यंग अचीवर को प्रदान किया है। उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा कश्मीर यंग लीडरशिप अवार्ड, जिन्होंने कश्मीर लीडरशिप समिट में एक हिस्सा लिया था, जो युवा है उनकी उपलब्धि को हासिल करने वाले विभिन्न क्षेत्रों की उनकी उत्कृष्टता और समाज में सकारात्मक बदलाव में योगदान देने के लिए ये कश्मीर यंग लीडरशिप अवार्ड से इन युवकों को एक नवाजा जाता है। 11 सितंबर ये इंटरनेशनली वर्ल्ड फर्स्ट एड AID डे के तहत सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे हम विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कहते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 11 सितंबर को मनाया जाता है। फर्स्ट एड ट्रेनिंग ये इंजुरीज एट द सेम टाइम्स गंभीर परिस्थितियों में जान को बचाने के लिए भी ये प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण इंपॉर्टेंट
माना जाता है। यहां पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड द रेड क्रिसेंट सोसाइटी, इसके द्वारा इस साल 2021 का थीम है फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी। 11 सितंबर यह विश्व प्राथमिक चिकित्सा के दिवस के तहत मनाया जाता है। यह फर्स्ट बार 2000 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी द्वारा मनाया गया था। नेक्स्ट बात आती है यन फिनी प्रोग्राम के बारे में। यन FINI NPCI और फिजर्व FISERV ने इस प्रोग्राम को यन फिनी प्रोग्राम को लॉन्च किया है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और फिसर्व ने ये निफी प्रोग्राम के तहत दिस दे विल गोइंग टू प्रोवाइड जो बैंक्स है बैंक्स के लिए वो रुपी क्रेडिट कार्ड को या रुपी क्रेडिट कार्ड के सहित जो भी सेवा आती है ये यन फिनी के द्वारा जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे बैंक होगी उनके लिए दी जाएगी। यन फिनी कार्यक्रम सेवाओं को एक तैयार ढेर एक स्टैक है जिसका उपयोग फिनटेक और बैंक रुपी क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए किया जाएगा। यहां पर NPCI और फिशर क्रेडिट कार्ड पर बैंकों और फिनटेक को सक्षम करके बाजार का आधार और विस्तारित करने का उनका मेन प्रयाग है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2008 द्वारा RBI और इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट बात आती है गाओफेन 5.0.2 की। गाओफेन GAOFEN 5.0.2 गाओफेन 0.2 ये चाइना का सक्सेसफुली लॉन्च किया गया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है पर्यावरण संरक्षण प्रयासों और प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी करने के लिए ये चाइना का गुआफोन 5.0.2 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो ये गुआफोन 5.0.2 ये चाइना का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। नेक्स्ट बात आती है नुआखाई ये उड़ीसा का एक कृषि त्योहार है। नुआखाई एक महत्वपूर्ण उड़ीसा का कृषि त्योहार है। उसी का मतलब होता है नया खाई या नया खाई का मतलब होता है नया खाना। इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य सामाजिक बंधनों का जश्न मनाना और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करना है। ऑलमोस्ट 12वीं शताब्दी से यह त्योहार नुआखाई उड़ीसा में मनाया जाता है। इस त्योहार के पीछे देश के विकास में किसानों की भूमिका और उनके बारे में जागरूकता पैदा करना होता है। यहां पर लोगों ने अपने स्वयं के उपभोग के पहले देवताओं को एक प्रसाद के रूप में फसलों की नई अनाज इसके द्वारा भेंट की जाती है। ये था नव अखाई एक कृषि त्योहार ये उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट चर्चा में व्यक्ति थे अजीज अकोनोच ये चर्चा में इसलिए है मोरक्को के किंग मोहम्मद सिक्स द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में अजीज अकोनोच को नामित किया गया। अजीज अकोनोज ये मोरक्को के प्राइम मिनिस्टर हो गए उनको नामित किया गया है मोरक्कन किंग मोहम्मद VI/6 द्वारा। नेक्स्ट बात आती है मिलेट मिशन की। मिलेट का मतलब होता है बाजरा। बाजरा मिशन इस किस राज्य में लॉन्च किया गया तो छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये मिलेट मिशन
मिलेट छत्तीसगढ़ का एक कल्टीवेशन मेन क्रॉप होगा, इसके लिए उसको लॉन्च किया गया है। लॉन्च के लिए उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद और जो 14 छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट है उनके कलेक्टर, उनके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर उन्होंने साइन किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियां थी। मे बी होपफुली ये सुर्खियां आने वाले एग्जाम में उतनी ही इंपॉर्टेंस रहेंगी। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग टारगेट विद प्रोफेसर पीस पॉजिटिव विक। वी रिक्वेस्ट यू टू बी अ वॉलंटरी डोनेटर टू बिकम अ प्राइम एंड ट्राइड मोटिवेटर।